नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं टेक्निकल डेली अपडेट। दोस्तों आज का यह वीडियो एयरटेल पेमेंट बैंक यूज़र के लिए। दोस्तों अगर आप भी जो है एयरटेल पेमेंट बैंक का उपयोग करते हैं और उसका जो है ट्रांजैक्शन एम पिन जो होता है वो अगर भूल गए तो किस तरह से जो फॉरगेट या फिर रीसेट कर सकते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना, अपना प्ले स्टोर ओपन करके आपको जो है अपना माई एयरटेल ऐप, जैसे ही आप सर्च करेंगे तो इसका जो ऑफिशियल ऐप है एयरटेल थैंक्स ऐप, ये आ जाएगा सामने। तो इसमें मैंने पहले से जो लॉगिन कर रखा हुआ, मैं इसे जो है ओपन कर लेता हूँ। इसमें लॉगिन करने के लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ आपका मोबाइल नंबर और साथ में उसमें एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी उसके बाद आप इसमें लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, आपके बैंकिंग के ऑप्शन के ऊपर में जो है क्लिक कर लेना है। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आप एयरटेल पेमेंट बैंक का उपयोग करते हैं तो जानते ही होंगे, अगर आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, कोई इलेक्ट्रिसिटी बिल या फिर कोई भी किसी प्रकार का बिल पे करते हैं तो उसमें जो है एक एम पिन मांगता है। वो एम पिन अगर आप भूल गए तो किस तरह से रिकवर करें, तो उसके लिए देखिए आपको क्या करना है, बैंकिंग के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद देखिए ये सेविंग अकाउंट जो है इसके ऊपर मैं आपको जो है क्लिक कर लेना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा अकाउंट सेटिंग्स, तो सिंपली इसके ऊपर मैं आपको जो है क्लिक कर लेना है। जैसे इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे या फर्स्ट ऑप्शन आपको मिल जाएगा एयरटेल पेमेंट बैंक, तो इसके ऊपर मैं आपको जो है क्लिक कर लेना है। जैसे इसके ऊपर मैं आप क्लिक करेंगे तो एयरटेल पेमेंट बैंक की कुछ सेटिंग्स यहाँ पर दे देगी, जैसे कि सेव पे, या फिर आप अपने एम पिन को चेंज करना चाहते हैं, या फिर आप एक नया एम पिन जो है जनरेट करना चाहते हैं, देख सकते हैं फॉरगॉट एम पिन का ऑप्शन दिया हुआ है, या फिर ऐड मनी करना चाहते हैं तो यहाँ पर, या फिर भीम UPI ब्लॉक अनब्लॉक कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर करने वाले हैं अपना एम पिन फॉरगेट, क्योंकि मैं जो है अपना एम पिन भूल गया हूँ तो उसे जो है रिकवर करना चाहता हूँ, तो यहाँ से मैं जो एक नया एम पिन जो है जनरेट कर लूँगा। तो फॉरगॉट एम पिन के ऊपर में जो है क्लिक करना है। जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर एक पॉपअप आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपना ओके पे क्लिक कर देना है। जैसे ही ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए जो आधार कार्ड देकर आपने जो है इसमें अकाउंट खुलवाया था वही डिटेल्स यहाँ पर फिल करनी होगी। जैसे कि आपने, जाहिर सी बात है आप ही अपना ही जो है आधार कार्ड दिए होंगे, तो आपको क्या करना है, जो भी मतलब आधार कार्ड है, जो भी आधार कार्ड में नाम है वही नाम आपको यहाँ पर जो एंटर करना है। जैसे कि अगर आपका फर्स्ट नेम, जैसे कि मेरा नाम है सूरज कुमार विश्वकर्मा, तो इसमें क्या पूरा फर्स्ट नेम, तो फर्स्ट नेम में क्या डालूँगा, SURAJ सूरज, और लास्ट नेम देखिए विश्वकर्मा VISHWAKARM, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर सूरज विश्वकर्मा यहाँ पर जो है डाल दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यही अगर आपका सिर्फ जैसे मान लीजिए दो ही वर्ड का नाम है, जैसे कि मान लीजिए सूरज कुमार अगर रहता तो मुझे क्या करना होता, तो यहाँ पर मुझे क्या करना होता, ऊपर में जो है सूरज और यह लास्ट में कुमार डाल देता। तो ऊपर देखिए सूरज और नीचे में जो है कुमार डाल देता, ठीक है। लेकिन मेरा जो सूरज कुमार विश्वकर्मा है इसलिए मैं फर्स्ट नेम में सूरज और लास्ट नेम में विश्वकर्मा लिखा हूँ, ठीक है। तो आपका जो भी नाम होगा वो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम में आपको जो है फिल कर लेना है। अगर मिडिल नेम है वो आपको नहीं देना, हाँ अगर लास्ट नेम में कुछ नहीं है तो उसमें फिर आप जो लास्ट नेम में मिडिल नेम दे सकते हैं। उसके बाद आपको जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर जो है सेलेक्ट कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ वही सेलेक्ट करना है जो आपके आधार कार्ड में, तो चलिए यहाँ पर मैं डेट ऑफ बर्थ के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर जो है मैं कर लेता हूँ 6 जुलाई 1994, यहाँ से हम जो यहाँ पर फिल कर लिए, सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट ऊपर में जो आपको क्लिक कर लेना है, क्लिक करेंगे जैसे ही तो इस नंबर पर एक OTP भेजा जाएगा। वो OTP यहाँ पर आपको मैन्युअली इंटर भी कर सकते हैं और ये जो ऑटोमेटिकली भी जो है ले लेता है। तो यहाँ पर मैं देख सकते हैं ऑटोमेटिक यहाँ पर ले लिया। अगर OTP नहीं आता तो रिसेंट OTP पे क्लिक करके OTP आप दोबारा पा सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर मैं सबमिट के ऊपर मुझे क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रिएट एम पिन का ऑप्शन दे दिया। यहाँ पर आपको एक नया एम पिन क्रिएट कर लेना है और नीचे कन्फर्म एम पिन में वही एम पिन डालना है जो ऊपर की ओर आप फिल करेंगे, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पर याद, यहाँ पर देखना होगा आपको,
यहाँ पर इस तरह का पासवर्ड आपको नहीं रखना है, जैसे कि 1234 या फिर 5678 या फिर 4x2 4x1 4x5, इस टाइप का आपको पासवर्ड बिल्कुल भी नहीं रखना। आपको थोड़ा सा जो है स्ट्रॉन्ग रखना है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पर रख कर आपको दिखाता हूँ, मैं इजी रखने वाला हूँ 11 एंड 22, ठीक है। फिर यहाँ पर कंफर्म एमपिन में कर लेते हैं 11 एंड 22, आप थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग रखेंगे। उसके बाद आपको क्या है, डन के ऊपर मुझे क्लिक कर देना है। जैसे इस ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए एमपिन अपडेटेड सक्सेसफुली दे दिया। चलिए अब यहाँ से हम ओके पे क्लिक कर देते हैं और मेरे पास जो है मैसेज भी आ चुका है। तो इसी तरह से आसानी से आप जो है अपने एयरटेल पेमेंट बैंक का जो है एमपिन फॉरगेट या फिर रिसेट कर सकते हैं, रिकवर कर सकते हैं। तो सर जानकारी कैसी लगी कमेंट उसमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही मैं आपको बता दूं एयरटेल पेमेंट बैंक से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मेरे चैनल पर पहले से मौजूद है, तो ऊपर आई बटन में नीचे डिस्क्रिप्शन मैंने उस प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया, तो उसे जाकर आप जरूर देखें। तो सर जानकारी अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।